बोलो बागेश्वर धाम की। बेटी अर्चना को मानसिक समस्या है, दिमागी समस्या है, आराम लगेगा, यही मूल प्रश्न है। अपने मन से कुछ नहीं करती है, जितना कहो उतनी कर पाती, गुमसुम बनी रहती है, आयु से पीछे चल रही है, साथ में पितृ दोष के कारण ब्रेन बंधा है, ठीक हो जाएगी, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। अब बागेश्वर धाम में अर्जी लगाना कौन नहीं चाहता, किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनकी अर्जी सन्यासी बाबा सुन लेते हैं, जिसके बाद बाबा धीरेंद्र शास्त्री को प्रेरणा मिलती है, जिसको बुलाकर उसका पास्ट एंड फ्यूचर पर्चे में लिख देते हैं, जो कि कलयुग के समय में असंभव सा लगता है, लेकिन ये लोगों के लिए अद्भुतता का विषय है, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है, जिनसे मिलने बड़े बड़े लोग, पॉलिटिक्स नेता व सुपरस्टार, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपनी अर्जी लगाने पहुंच रहे हैं। बाबा के नजरों में सभी लोग एक समान है, उनका संकल्प बस एक है, भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। बाबा धीरेंद्र शास्त्री के कदम जहां पर पड़ जाए उस शहर में 7 दिन तक ट्रैफिक लग जाता है, और बाबा की बस एक झलक पाने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती है, जिनसे मिलने इंडिया क्रिकेटर के कप्तान विराट कोहली और उनकी वाइफ अनुष्का कोहली अपनी बच्ची को लेकर बागेश्वर धाम पहुंची, जहां पर बाबा ने उनका पर्चा बनाया। सचमुच बागेश्वर धाम की महिमा अद्भुत है, बस इसे समझने वाला होना चाहिए। कमेंट में जय बागेश्वर धाम लिख दीजिए। आपका टाइम शुभ।